देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से 5 प्रश्न हैं। पहला सवाल, फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के आधार पर नीरव मोदी और मेहुल चौकसी इस देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम के साथ धोखा और खिलवाड़ कैसे कर रहे थे? इस देश के 70 साल के सबसे बड़े बैंक लूट स्कैम के लिए जो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ, कौन जिम्मेवार है? हमारा दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मामले की जानकारी जब और किसी अधिकारी अथॉरिटी ने नहीं सुना तो 26 जुलाई 2016 को दे दी गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसका संज्ञान भी लिया है। इस सब के बावजूद भी प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री से लेकर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेकर सभी अथॉरिटीज और मोदी सरकार क्या सोई पड़ी थी और क्यों? तीसरा सवाल, 29 जनवरी 2018 को पंजाब नेशनल बैंक के डीजीएम ने ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई को पत्र लिखकर यह कहा कि ये व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाने वाले हैं, कृपया करके देश का पैसा लूटकर ये देश से ना भागें, इसके लिए कार्रवाई कीजिए। फिर उसके बावजूद भी जैसा टेलीविजन चैनल और समाचार पत्र दिखा रहे हैं, नीरव मोदी देश का पैसा लूटकर देश से बाहर कैसे भाग गए, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन नीरव मोदी को संरक्षण दे रहा है? चौथा सवाल, पूरा सिस्टम बाईपास कैसे हो गया? हर ऑडिटर और हर इन्वेस्टिगेटर की आंख के नीचे से हजारों करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला कैसे छूट गया? क्या यह नहीं दिखाता कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, दो क्लर्क या मैनेजर लेवल के अधिकारी नहीं, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति देश में इस सारे घोटाले को संरक्षण दे रहा था? हमारा सवाल प्रधानमंत्री जी से यह है, प्रधानमंत्री जी वो प्रश्न, वो व्यक्ति है कौन? और पांचवा सवाल, पूरे बैंकिंग सिस्टम का, देश के पूरे बैंकिंग सिस्टम का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और फ्रॉड डिटेक्शन एबिलिटी कैसे खत्म हो गई? मोदी जी जवाब दीजिए।